सबसे बड़ा कंसर्न होता है पेशेंट्स का कि हमें रेडिएशन से क्या दिक्कत आएगी, क्या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। सो मैं बताना चाहूँगा, साइड इफ़ेक्ट जो रेडिएशन के हैं वो साइट स्पेसिफिक है। हम जिस एरिया में ट्रीट कर रहे हैं उससे संबंधित हमारे साइड इफ़ेक्ट होंगे। यूजुअली हमारे पेशेंट्स हेड एंड नेक कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें सो स्किन टैनिंग हो जाती है, डार्कनिंग हो जाती है, फिर स्वेलोइंग पे फर्क पड़ता है, हमारी लार कई बार बहुत गाढ़ी हो जाती है और हमें खाना निगलने में पेन होता है। ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये ड्यूरिंग रेडिएशन, जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ता है आगे की तरफ ये साइड इफ़ेक्ट भी हमारे इंक्रीज होते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेडिएशन मेजर साइड इफ़ेक्ट्स लाइक पेन, स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी, ये साइड इफ़ेक्ट्स हमारे अगले 1 से 2 महीने में स्लोली रिवर्स हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर 3 मंथ्स ये रेडिएशन के हमारे साइड इफ़ेक्ट चले जाते हैं। दूसरा, अगर हम पेट में रेडिएशन दे रहे हैं, पेट के नीचे वाले हिस्से में रेडिएशन दे रहे हैं, तो यूजुअली पेशेंट्स को थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील होना, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल या फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जो अगले 2 से 4 हफ्ते में समाप्त हो जाते हैं।